हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। ऑटोकैड का लेक्चर नंबर 23 होने वाला है और 3D का जो लेक्चर है आज तीसरा लेक्चर है जिसमें आपका स्वागत है। चलिए आज हम इसमें बचे हुए कमांड को रिवीजन करते हैं, बचे हुए कमांड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो पुराने कमांड है वो सबका रिविजन करते हुए हम कल का जो वीडियो बनाएंगे उस पर हम कमांड का प्रैक्टिस करेंगे विद ड्राइंग के साथ, कि ड्राइंग के साथ उस कमांड का यूज क्या क्या है, कैसे कैसे हम उसे यूज करते हैं, तो उस तरीके से हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो आज का जो बचा हुआ लेक्चर्स है उसमें आज के जो लेक्चर्स है इसमें जो बचे हुए कमांड है उसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड एडिटिंग, जिसमें हम कुछ एडिटिंग के कमांड पढ़ेंगे, जैसे कि जो ऑटोकैड 2D होता था उसमें जो मॉडिफाई कमांड होते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग कमांड है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक, ये जो सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद एक हम स्फीयर ले लिए, यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक किए, इसका एक हम रेडियस का वैल्यू एंटर कर लिए, इतना रेडियस का ये बन गया एक स्फीयर। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर भी बना ले रहे हैं, इसके सेंटर पॉइंट पे ही क्लिक किए, इसके रेडियस की वैल्यू दिए, और इसके बाद इसके हम कुछ ना कुछ हाइट दे दिए इस तरीके से। अब आपको मालूम है ये सिलेंडर अलग है और यहाँ पे जो ये स्फीयर है ये अलग है, दोनों आपस में अलग अलग सेलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक आपको सॉलिड एडिटिंग में कमांड आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिसकी सहायता से इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में आप जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे जो कमांड आ रही है यूनियन है, सॉलिड यूनियन, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जैसे ही हम इंटर करेंगे ये ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाएगा, मतलब आपस में मर्ज होके कोई एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला जो कमांड है मेरा, अगला कमांड हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है, ये कमांड है सब्सट्रैक्ट, सॉलिड सब्सट्रैक्ट। इसका मतलब ये होता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे आ रहा है तो उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को काट सकते हो उसके शेप में। वो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें से इसको काटना है। जैसे सपोज करो हम इसमें से इसको काटना चाह रहे हैं या फिर इस सिलेंडर में से इस स्फीयर को काट के हटाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर में से इस स्फीयर को हटाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें काटना है, फिर इंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट इस सिलेंडर में से कट चुका है। अब इसे हम नीचे की शेप इसका देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सर्किल हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिसने फॉर्म में इसके अंदर वो था जो ऑब्जेक्ट था स्फीयर, इसके अंदर जितना रेडियस में ये यहाँ पे मतलब जितना इसमें मर्ज हो रहा था उतना इसमें गड्ढा बन गया है और बाकी इस तरीके से ये कट गया है। एक यहाँ पे हम स्फीयर बना के दिखाते हैं कि वो चीज यहाँ पे कैसा शो होगा, उसकी शेप कैसे होंगे, तो उस चीज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारे स्फीयर लिए, स्फीयर लेने के बाद इस वाले फेस पे यहाँ पे क्लिक किए, एक हम स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए कुछ इस तरीके से। अब हम इस सिलेंडर में से इस स्फीयर को काटेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिएक्शन आता है। तो हम इसको सेलेक्ट किए, यहाँ पे कमांड हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट कमांड लेने के बाद इस सिलेंडर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, उसके बाद इस स्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इंटर करें, जैसे हम इंटर किए, इंटर करने के बाद ये जो स्फीयर है स्फीयर कट गया और इसका जो इसमें शेप मर्ज हो रहा था उस शेप में स्फीयर कटते हुए ये सिर्फ सिलेंडर का शेप पूरा बचा हुआ है, तो इस तरीके से स्फीयर ये कट गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे जो स्फीयर है और ये जो सिलेंडर है इसके जो कॉमन पार्ट्स है जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, सिर्फ हमें वो वाले ऑब्जेक्ट चाहिए, बाकी ये ऑब्जेक्ट को आपको ट्रिम करके हटा देना है और इस ऑब्जेक्ट को भी काट कर हटा देना है, तो उसके लिए यहाँ पे जो हम कमांड यूज करेंगे ये हम यूज करेंगे सॉलिड इंटरसेक्ट। सॉलिड इंटरसेक्ट के लिए हमें क्या करना है, सॉलिड इंटरसेक्ट के लिए सॉलिड इंटरसेक्ट कमांड एक्टिवेट करना है, उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको करना है इंटर। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इन दोनों का जो बीच का जो कॉमन पार्ट्स है वो पार्ट्स बचेंगे और बाकी जो सारे इसके ऑब्जेक्ट थे साइड वाले वो सारे ऑब्जेक्ट हट गए। इस तरीके से हम इसके इंटरसेक्ट या फिर इसके सब्सट्रैक्ट या फिर इसको यूनियन, इन तीन कमांड का यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे कमांड आ रहे हैं जो कि हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम ड्राइंग करते वक्त पढ़ेंगे, ताकि वहाँ पे हमें ड्राइंग की सहायता से समझाने में थोड़ी सी आसानी हो और आपको समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें और अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि इसमें एक कमांड आ रहा है मूव, ये आ रहा है 3D रोटेट और इसके बाद यहाँ पे आएगा 3D मूव, तो वो चीज अभी पढ़ेंगे, वो सब भी हम कमांड में ही पढ़ेंगे,
ताकि वहां पे हम आसानी से इसे समझा ले। तो इसमें ऑटो कैड में जो मेन कमांड थे जो कि ज्यादा यूज हो रहे थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो अगले लेक्चर आने वाला है उस लेक्चर में हम इसमें ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे और जो बचे हुए कुछ कमांड्स हैं उसका भी उसमें स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे कि आप अपना जो नोट्स बनाए होंगे आप नोट्स लेकर बैठेंगे और उसमें कुछ ऐसा मिस डेटा होगा तो उसे आप करेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो ड्राइंग आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी उस ड्राइंग के बारे में यदि आपको कुछ लिखने वाले पॉइंट्स होंगे तो आप उसे नोट भी कर लेंगे। और इसके बाद आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है और खुद से भी ड्राइंग बहुत सारे बनाने हैं। यदि उसमें अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। और क्लास में रेगुलर आप लोग बने रहिए ताकि जो आपका लेक्चर चल रहे हैं आप लोगों के फायदे के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।